मजदूर वर्ग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बूढ़ा क्षेत्र से बसों द्वारा अपने निवास पर भेजा गया। कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन 21 दिन के बजाय 19 दिन और बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते बाहर से आए मजदूर क्षेत्र में फंस गए थे। सभी आवागमन बंद होने की वजह से वह अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत से मजदूर वर्ग अपने घर जाने के लिए लगातार पैदल अपने परिवार व छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने निवास स्थान तक पहुंचे, जिसके बाद शासन प्रशासन के सहयोग से पंचायत स्तर पर मजदूरों को छोड़ने की व्यवस्था की गई। मजदूरों की बसें क्षेत्र से रवाना की गई। इसी दौरान बस को अंदर व बाहर सैनिटाइजर किया गया। मौके पर चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश पवार द्वारा मजदूर वर्ग को अल्पाहार की व्यवस्था की गई व सभी का स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ा पर किया गया। मजदूर वर्ग को बसों की व्यवस्थता से मजदूर वर्ग बहुत खुश हुए। मौके पर पंचायत सचिव, सहायक सचिव पटवारी और समाज सेवी मौके पर पहुंचकर बसों को रवाना किया गया। मंदसौर चैनल शर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से लगी खेत में आग। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना अंतर्गत छीड़ा गांव के रिंकू पंडित के खेत में आग लग गई और वहां पर अन्य किसान अपने खेत में गए हुए थे। वहां पर देखा रिंकू खेत में आग लगी, देखकर तब उन्होंने गुहार लगाई। बगल के खेत में लड़के दौड़ने लगे। गांव के काफी लोग वहां पर पहुंचकर आग को बुझाने के लिए कोई बाल्टी में पानी लेकर तो कोई डंडों से द्वारा पीट पीट कर आग को बुझाने में लग गए। काफी समय के बाद जब आग पर काबू पा लिया गया, गांव के बहुत सारे व्यक्ति वहां पर पहुंच चुके थे। छीड़ा बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। काफी भीड़ देख कर पुलिस प्रशासन ने सबको अपने अपने घर जाने को कहा। वहीं आग किन कारणों से लगी है इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी सूचना, कानपुर हॉटस्पॉट मछरिया, जहां से लगातार बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं क्षेत्र में सटा हुआ अमीरपुर रोड मछरिया तिराहा से चंद्रकांता ज्वेलर्स वाली गली लेफ्ट हैंड, जहां लाल रंग का गेट है, मालिक का नाम विपिन शर्मा बताया जा रहा है। ये चोरी छुपे पीछे से अवैध गुटखा भारी मात्रा में बेच रहा है। इसके पास हॉटस्पॉट प्रभावित क्षेत्र मछरिया से भी लोग आते हैं गुटखा लेने। गौरतलब हो सरकार ने पूर्णतः गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह चोरी छुपे गुटखा सप्लाई किया जा रहा है। सूचना के अनुसार ये किसी अनजान व्यक्ति को गुटखा नहीं देता, जो किसी के परिचय से आता है केवल उसी गुटखा देने का कार्य करता है। अब देखना यह है संबंधित प्रशासन अब कोई इसकी शुद्ध लेकर कार्रवाई करेगा या एक और नए हॉटस्पॉट की तैयारी में लगा रहेगा।